नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर 1790 लॉर्ड कार्नवालिस ने आपराधिक मामलों में न्याय की ताकत मुर्शिदाबाद के नवाब से छीनकर अपने हाथों में कर ली। 1796 बाजीराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। 1829 वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। 1824 अंग्रेजों ने मद्रास और मुंबई से कुमुक मंगाकर फिर कित्तूर का किला घेरा। 1828 एडरसन जैक्सन अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति चुने गए। 1829 वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत की सती प्रथा पर रोक। 1860 मारगोवा निवासी अगस्टोन लूरेको ने पेरिस से रसायन सा में डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की। संभवतः यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने विदेश में अपनी डॉक्टरी की डिग्री पूरी की। 1910 फ्रांसीसी भौतिक शास्त्र जॉर्ज क्लाउड द्वारा विकसित विश्व के पहले नियोन लैग का पहली बार पेरिस में मोटर शो में प्रदर्शन। 1912 तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मोंटेगरो ने युद्ध विराम समझौता किया। 1943 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और तुर्की के राष्ट्रपति इस्माइल इनोनू द्वितीय कायरो सम्मेलन में मिले। 1948 पूर्वी चीन सागर में चीनी शरणार्थी जहाज को ले जा रहे जहाज में विस्फोट, 1100 लोगों की मृत्यु। 1954 भारत और नेपाल ने गडक सिंचाई विद्युत परियोजना में समझौते पर हस्ताक्षर। 1967 भारत का पहला रॉकेट रोहिणी HR-75 को थुम्बा में प्रक्षेपित किया। 1967 इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो नजरबंद। 1971 भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू। 1972 होंडुरान के सेना जनरल ओसवाल्डो लोपेज अरेलानो ने राष्ट्रपति रमोन क्रूज का तख्ता पलटा। 1974 एक हॉलैंड यात्री विमान श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सभी 151 यात्रियों की मौत। 1975 लाओस गणराज्य घोषित। 1977 जीन बेडल बोकासा ने स्वयं को मध्य अफ्रीका सम्राट का घोषित किया। 1980 पुर्तगाल के प्रधानमंत्री फ्रांसिस्को साकालेरो और लिस्बन विमान दुर्घटनाग्रस्त में मौत। 1984 भोपाल स्थित यूनिट कार्बाइड फैक्ट्री गैस लीकेज, 3000 लोग मारे गए। 1989 रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव तो अमेरिकी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शीत युद्ध खत्म होने की घोषणा। 1994 ताइवान में पहला स्वतंत्रता स्थानीय चुनाव संपन्न। 1999 विश्व प्रसिद्ध गिटार वादक चार्ली ली बर्ड का निधन। 1999 चेचनिया में छापामार में 250 रूसी सैनिक को मार गिराया। 2000 विसिट फॉक्स मैक्सिको के नए राष्ट्रपति बने। 2000 ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को टेस्ट मैच में हराकर 12वां टेस्ट मैच का रिकॉर्ड बनाया। 2001 गाजा और इसराइल के हमले के बाद यासर अराफात के हेलीकॉप्टर नष्ट। 2002 UNEP ने भारत समेत 7 उष्णकटिबंधीय देशों में जैव विविधताओं के अध्ययन के लिए 2 करोड़ 60 लाख डॉलर जारी। 2004 पुर्तगाल सर्वोच्च न्यायालय में मोनिका को खारिज। 2008 मुंबई में से 26 नवंबर को आतंकवादी घटना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देश
जिन लोगों का जन्म हुआ 1884, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय भारत के राष्ट्रपति 1888, रमेश चंद्र मजूमदार, प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार 1910, आर वेंकटरमन, भारत के 8वें राष्ट्रपति 1882, नंदलाल बोस, प्रसिद्ध चित्रकार 1889, खुदीराम बोस, स्वतंत्रता सेनानी 1903, यशपाल, हिंदी के यशस्वी निबंध लेखक 1913, शिव नारायण श्रीवास्तव, हिंदी साहित्यकार 1937, विनोद बिहारी वर्मा, भाषावादी 1957, रवाशंकर यादव, मिताजी राज, टेस्ट क्रिकेटर खिलाड़ी। जिन लोगों का निधन हुआ 1980, फ्रांसिस्को साकलनरो, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री 1971, लास नायर अल्बर्ट एकरा, परमवीर चक्र 1979, मेजर ध्यानचंद, भारतीय खिलाड़ी 2000, हैक एरोप सुरानामा, नीदरलैंड के मुख्य करने वाले नेता 2011, देव आनंद, फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक। तो दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।